हार के डर से वापस लौटने वाले को कभी मंजिल नहीं मिलती और हारी भी वारी जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हेलो दोस्तों, मेगा मोटिवेशन में मैं सोम कुमार दोस्तों फिर से आप लोगों का स्वागत है। क्या दोस्तों आप भी अपने जीवन में बाजीगर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों क्या आप भी आप अपने जीवन में फेल हुए हो? क्या आप भी आप अपने जीवन में एक साधारण व्यक्ति रहे हो? आप में उतनी प्रतिभा नहीं है क्या आपको लगता है? इस वीडियो को भी आप जरूर अंत तक देखिएगा। दोस्तों आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ स्टूडेंट अपने क्लास के टॉपर होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट अपने जीवन में और अपने क्लास के फेल्योर इंसान होते हैं। जैसे कुछ टॉपर अपने क्लास के होते हैं, कुछ टॉपर्स अपने सोसाइटी के होते हैं, कई कई फील्ड में अलग अलग टॉपर अपने क्षेत्र में होते हैं और कुछ कुछ फेल्योर अपने अपने क्षेत्र में हर कोई इंसान होता है। लेकिन क्या दोस्तों आपने देखा एक गौर करके एक चीज कि ज्यादातर ये होता है कि टॉपर इंसान अपने जीवन में उतना ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाता जितना कि फेल्योर इंसान अपने जीवन में बहुत बड़ा कर लेता है। दोस्तों मैं इसका सबसे बेहतर उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि वह एक है व्यक्ति है जैक मा। दोस्तों आप लोग जैक मा को जरूर जानते होंगे, ये चाइना के एक बड़े अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमी चाइना के ये जैक मा। जैक मा की मैं कहानी सुना रहा हूँ। जैक मा जब क्लास 4 में थे तो वह अपने क्लास में 2 बार फेल हुए थे, उसके बाद वह क्लास 8 में 3 बार फेल हुए। उसके बाद फेल होने के बाद वह जब ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे थे तो उसमें 5 पर वह असफल हुए, फिर भी वह लगातार प्रयास करते रहे। उसके प्रयास के बाद उसे 30 बार इंटरव्यू से रिजेक्शन मिला, जिस वजह से उसे जॉब नहीं मिल पाई। एक बार की बात है जब उसे एक 24 इंसान में से 23 को सेलेक्ट करना था, जैक मा का सबसे लास्ट नंबर आया जिसमें से उसको एक व्यक्ति की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी आज जैक मा अलीबाबा के फाउंडर हैं, चाइना के सबसे अमीर आदमी हैं और अलीबाबा एक बहुत बड़ी सर्चिंग साइट है जो कि अभी हम लोग फिलहाल में जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि एक साधारण सा व्यक्ति टॉपर इंसान से बहुत बड़ा कर लेता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च के बाद पता किया कि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो टॉपर इंसान अपने जीवन में होता है वह अपने जीवन में उतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, वह अपने जीवन में कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। इस वजह से वह अपने जीवन में एक साधारण सी कोई भी कंपनी में या कोई भी नॉर्मल सी डिग्री लेके वह आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन फेल्योर इंसान अपने जीवन में उसे तो पता ही नहीं होता कि वह अपने जीवन में उसको करना क्या, इस वजह से वह अपने जीवन में बड़े बड़े रिस्क लेता है और उसी रिस्क के चलते वह अपने जीवन में उसे सफलता मिल जाती है। अक्सर आप गौर करते होंगे कोई भी इंजीनियर हो या कोई भी हो, डॉक्टर हो, वह क्या करता है, अपने बचपन से टॉपर इंसान अपने उस डिग्री के पीछे भागता है और उसमें पढ़ाई करके डिग्री को हासिल करता है, जिस वजह से उसे एक डिग्री मिलती है और वह किसी न किसी कंपनी में या कोई डॉक्टर बन जाते हैं या कोई इंजीनियर बन जाते हैं, उसी में सेटल होकर किसी के अंदर वो अपना काम करते हैं। लेकिन जो फेल्योर इंसान होता है उसे अपने जीवन में पता ही नहीं होता कि आखिर उसके जीवन में उसे करना क्या, उसकी मंजिल तय नहीं होती कि उसकी मंजिल आखिर है कहाँ, जिस वजह से वो अपने जीवन में उसे जो भी मिलता है करने के लिए, छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, उसी चीज़ों से वो उसे करता है, मेहनत करता है, उसे हासिल कर लेता है। इसलिए इसी बीच में वो अपने अपने जीवन में जो भी फेल्योर इंसान होता है उस वह बड़ी बड़ी रिक्स लेता है, जो कि टॉपर इंसान अक्सर एक कम्फर्ट जोन में रह के छोटी सी कंपनी में रह जाता है, वह रिक्स नहीं लेता है। लेकिन जो फेल्योर इंसान होता है वह क्या करता है, अपने जीवन में बड़े बड़े रिक्स लेता है कि उसको पता ही नहीं था कि उसके करना क्या है, इस वजह से रिक्स लेने के चलते उसे बड़ी बड़ी सफलता भी मिल जाती है क्योंकि वह बड़े बड़े रिक्स लेता है। दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में बड़े इंसान बनना चाहते हैं, एक बेहतर इंसान टॉपर के साथ भी बनना चाहते हैं, चाहे आप टॉपर हो चाहे कुछ हो, अपने जीवन में बड़े बड़े रिस्क लीजिए क्योंकि एक सफलता की सूत्र कहती है कि आप अपने जीवन में जब तक रिस्क नहीं लोगे, जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपको सफलता कभी नसीब नहीं होगी। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हारी बाजी जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। दोस्तों आप कितने भी असफल हो उससे मैटर नहीं करता, अगर आप में पूर्ण विश्वास हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में हौसले के साथ और जज्बे के साथ एक बड़े रिस्क को लेने की ट्राई करिए। आप अपने जीवन में जब तक बड़े रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको सफलता नसीब नहीं होगी। इसलिए अपने जीवन में बड़े रिस्क लो, आपको बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उसको भी अपने जीवन में कुछ बेहतर करने का मौका मिल सके। दोस्तों ऐसी वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आप मेरी ऐसी ही वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू।